हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा मोगरा प्लांट है। देखें इसमें कितनी कलियां आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा भर भर के कली है इसमें। बिल्कुल छोटा सा प्लांट है, आप देख रहे हैं। और पिछले साल ही मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया था, तो पिछले साल तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई, क्योंकि जहाँ से मैं इसको लेकर आई थी तो वहाँ पे इसने कभी फ्लावरिंग की ही नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसी जंगली सा हो गया है, खराब हो गया ये प्लांट, इसमें फ्लावर्स नहीं आते। लेकिन मैंने लगा लिया लाके कि चलो फ्लावर नहीं आएंगे, कम से कम ग्रीनरी रहेगी। तो और ट्राई करते हैं एक बार कि घर में लाने के बाद मेरे हाथ से फ्लावर आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखें फ्रेंड कितना अच्छा इसका रिजल्ट है, कितने अच्छे फ्लावर इसमें आ रहे हैं। बिल्कुल फूलों से भरा हुआ है इस टाइम पे, इतना छोटा सा है लेकिन फूल ही फूल इसमें है। तो मुझे बस ये दिखाना था आपको कि कभी कभी हमारे प्लांट्स में कुछ कमी, उनको जो ज़रूरत होती है, जो उनके नीड्स होती है, वो पूरी नहीं होती है, तो जिसकी वजह से वो फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो जब हम उनका ख्याल रखेंगे, उनके हर चीज़ का, उनको क्या ज़रूरत है टाइम टू टाइम हम देंगे, तो फ्लावरिंग करते हैं। तो उसका रिजल्ट आपके सामने देखें, कलियां देखें इसमें, एक एक में चार चार पांच पांच कलियां, काफी फूल इसमें एक एक दो दो करके आके मतलब मुरझा चुके हैं। और अभी भी देखें और छोटी छोटी तो अभी काफी हैं जो निकल रही है, अभी शुरुआत है निकलने की। तो काफी भरा हुआ है, दो फूल अभी इसमें आज खिले हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो फ्रेंड मुझे ये दिखाना था बस कि अगर हम केयर करते हैं, किसी भी चीज की केयर करेंगे तो हमको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो हम इसके केयर की बात करें तो हमें मोगरे में जो फेब महीना जब हमारा स्टार्ट होता है बहार का मौसम, तो तब से हमें इसकी केयर शुरू कर देनी चाहिए। और इसकी प्रूनिंग करें, अगर छोटा सा प्लांट है आपका, बड़ा है तो हार्ड प्रूनिंग कर दें, छोटा है तो सॉफ्ट प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग का मतलब है कि आप छोटी छोटी दो दो तीन तीन इंच की, ये जैसे मेरा छोटा सा था तो मैंने दो दो तीन तीन इंच इसको जो है प्रून कर दिया, कैंची से काट दिया, और इसकी जितनी भी पुरानी लीव्स थी उनको सबको कट कर दिया है। तो ये न्यू लीव्स हैं जितनी भी हैं, और इनमें जो है न्यू शूट्स स्टार्ट हुई, फिर जब हमारी नई पत्तियां निकलती हैं उन्हीं के बीच में से कलियां निकलती हैं। तो जितना हम कटिंग करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी ब्रांचेस निकलेंगी और फिर उतनी ही ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग होगी। तो सबसे पहला काम तो इसकी प्रूनिंग करें फैब में। दूसरा ये कि इसमें खाद वगैरह देना स्टार्ट करें। देखिए कि यहाँ पे भी छुपी हुई है, ये गेंदा लगा इसमें, इसमें भी छुपी हुई है ये। तो इसमें जो है आप फैब में खाद देंगे, इसे बोन मील बहुत पसंद है थी, क्योंकि हमारे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं फ्रेंड, उसमें हम कैल्शियम सोर्स उनको ज़्यादा पसंद होता है, कैल्शियम जिसमें हो ज़्यादा, वो हम इनमें दें, बोन मील वगैरह दें, अंडे का छिलका जो हमारे यहाँ निकलता है उसका पाउडर बना के डाल सकते हैं, बनाना पील का जो है पाउडर बना के हम इसमें डाल दें हर 15-15 दिन में, या फिर बनाना पील को ऐसे भी कट करके छोटे छोटे एक एक इंच के पीसेस करके आप इसमें ऐसे ही ऊपर से डाल दें, जैसे हम मल्चिंग करते हैं इस तरह डाल दें, फिर वो जैसे जैसे पानी उसमें हम डालेंगे वो उसमें डिकम्पोज होते जाएंगे और वो मिट्टी में गुड़ाई वगैरह कर दें तो उसमें मिक्स होते जाते हैं, तो वो भी एक तरीका है। और बोन मील अगर यूज नहीं करते, बोन मील इसमें बहुत फायदा करती है, लेकिन जो लोग नहीं यूज करते हैं तो फिर वो चूना वगैरह का पानी में मिलाकर पानी, चूने का पानी भी डाल सकते हैं, उसमें भी कैल्शियम अच्छा होता है जो हमारे पान वगैरह में यूज होता है चूना वो। और फिर उसके बाद में मैंने इसमें नीम खली भी मिलाई थी, नीम खली इसलिए मिलाई थी कि सर्दियों में हमारी धूप वगैरह कम लगती है तो कभी कभी मिट्टी में कीड़े भी लगने लगते हैं, तो इस वजह से मैंने नीम खली भी इसमें पहले बोन मील दी, फिर उसके बाद में 15-20 दिन के बाद में नीम खली मिलाई इसमें, एक एक मुट्ठी सबने गमले में। ये मेरा 10 इंच का गमला है, तो
एक दो मुट्ठी याद नहीं मुझे बराबर से, बस ऐसे ही मैंने अंदाजन डाल दिया, मैंने कोई नापा नहीं था, बस सारे गमलों में अपने मिलाती चली गई गुड़ाई कर करके। और एनपीके और डीएपी वगैरह भी मैं दे देती हूँ, जब देती हूँ तो सब में थोड़ा थोड़ा पाँच पाँच छः छः दाने मिला के दोनों चीज मिक्स करके और डालती चली जाती है सारे गमलों में अपने। लेकिन अब गर्मी में नहीं डालेंगे फ्रेंड, हम गर्मी में जो है हम लिक्विड फर्टिलाइजर जो भी बनाएंगे वो डालेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये कि हर 15-20 दिन में आप टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ इनको देते रहना चाहिए हमारे सारे प्लांट्स को। तो जब हम उनकी केयर करेंगे, उनके खाने पीने का ख्याल रखेंगे, तो फिर वो फ्लावरिंग भी अच्छा हमको देते हैं, रिजल्ट अच्छा देते हैं। तो बस फ्रेंड मुझे आपको ये बताना था कि बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारे यहाँ ये मेरा रिजल्ट सामने आपके बिल्कुल भी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी इसकी ब्रांचेस हैं जहाँ पर ये लगा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, 5-5, 6-6 मीटर की शायद ऐसी लंबी लंबी सी ब्रांच चली गई, लेकिन फूल एक भी नहीं आता उसमें, एक भी नहीं, मतलब ये कि ज्यादा और कम नहीं, एक भी फूल नहीं आता है, बस बड़े बड़े खूब पत्ते हो गए और ब्रांचेस खूब बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो बस वही है कि वहाँ उनको वो चीज नहीं मिल पा रही होगी जो, हालांकि जमीन में लगा है लेकिन तब भी फ्लावरिंग नहीं करता है। और ये देखिए हमारा छोटे से गमले में लगा है और छोटा सा पौधा है, लेकिन कितनी ज्यादा इसमें फूल आए हुए हैं, आपको देखे कलियां बिल्कुल भरी हुई है, हर ब्रांच में कली लगी हुई है, कोई भी ब्रांच खाली नहीं है। अब ये जैसे फूल चले जाएंगे मैं इसकी फिर से सॉफ्ट प्रूनिंग कर दूंगी, 1-1 इंच 2-2 इंच की कटिंग कर दूंगी, फिर से इसमें न्यू शूट्स निकलेंगे और फिर से कलियां आएंगी। तो आप अपने जितने भी आपके फूल जब मुरझा जाते हैं तो आप उनको यूं ही नहीं छोड़ें, उन्हें सॉफ्ट प्रूनिंग कैंची से या आपके पास जो भी कटर वगैरह है या नहीं है तो आप अपने हाथ से ही ऐसी छोटी छोटी पिंचिंग कर सकती हैं। तो पिंचिंग करने से हमारा जो है प्लांट बुशी हो जाता है और उसमें जितनी ज्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उतने ज्यादा हमारे फूल भी निकलेंगे। तो बस यही मुझे बताना था फ्रेंड आज आपको। तो आप भी अपने प्लांट का ख्याल रखें, उनकी केयर करें और अपने घर में जो है आसपास अपने प्लांट्स लगाएं, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और अपने आस पड़ोस में सभी लोगों से प्लांट्स लगाने के लिए कहें, क्योंकि इससे हमारे आसपास का जो है वातावरण काफी अच्छा रहता है। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।